आज डॉक्टर डे है। इस मौके पर आज कुरुक्षेत्र में जिला कष्ट निवारण समिति ने बैठक की। बैठक राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज की अध्यक्षता में हुई, जिसमें 19 शिकायतों पर सुनवाई की गई। बता दें कि इसमें 7 नई शिकायतें जबकि 12 पुरानी शिकायतें दर्ज की गई थीं। इन पर सुनवाई होते हुए उस वक्त हंगामा बढ़ गया जब 2 अप्रैल 2018 को महिला के मौत के मामले पर सुनवाई की जा रही थी। बता दें कि मोहाली अस्पताल की लापरवाही के कारण डिलीवरी के दौरान महिला की मौत हो गई थी। उसी केस की सुनवाई के दौरान अचानक से मोहाली अस्पताल के डॉक्टर बैठक में घुस गए और हंगामा कर दिया, लेकिन जैसे तैसे सुनवाई पूरी होने के बाद बैठक में फैसला लिया गया कि मोहाली अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और वहां के डॉक्टरों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पेशेंट की मौत इस मामले में मैं साफ साफ कहना चाहूंगा कि इसमें डॉक्टर की कोई भी लापरवाही नहीं है, इस बात को एकदम क्लियर है। और मैं आपको इस सब चीजों के सबूत भी दूंगा कि जिसमें यह पता लगेगा कि आपको कि इसमें डॉक्टर की कोई भी लापरवाही नहीं है। मैं डॉक्टर हिमांशु जैन हूं, मैं डॉक्टर रुचि जैन के बिहाफ पे आपको ये स्टेटमेंट उनकी तरफ से उनका पक्ष रखने का आपको मैं बता रहा हूं। डॉक्टर रुचि जैन ने सन 2008 में ग्वालियर मेडिकल कॉलेज से अपनी पीजी की थी और आज 11 साल हो गए हैं और पिछले कुरुक्षेत्र में पिछले 6 साल हो गए हैं, जिसमें कि उन्होंने हजारों ऑपरेशन और डिलीवरी की होंगी। कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, हर ऑपरेशन में होती हैं, लेकिन इसका लेकिन जो डेथ हुई है, जो ये आज पहली बार हुई है जो करिश्मा पेशेंट की, इसका दुख हमको भी है। FIR सिर्फ रुचि जैन के खिलाफ दर्ज हुई है और उसके खिलाफ मुझे लग रहा है कि कोई संगीन ऐसी कोई धारा लगी है कि उसको फांसी की सजा सुना दी जाए गई हो। कत्ल का केस है ये, मैं तो कह रहा हूँ कोल्ड ब्लड मर्डर है मेरी वाइफ का। बेहोशी की का नशा देकर उसको ऐसा टॉर्चर किया गया, उसके सारे अंग खराब हो गए। मुझे नहीं लगता कि इसमें सिर्फ रुचि जैन को ही दोषी ठहरा के उन्होंने जो भी FIR डाली है उसमें अपना पल्लू झाड़ लेंगे। जब मैं DC ऑफिस में गया था तो उन्होंने बोला था कि मीटिंग में बैठ के जो राज्य मंत्री निर्णय सुनाएंगे इसके ऊपर, वो उसके बाद फिर ये जो FIR दर्ज होगी उसके बाद होगी। लेकिन इन्होंने पहले ही एक महीने से DC साहब के पास रिपोर्ट आ रखी है, 2 दिन पहले ये FIR दर्ज करते हैं और उसमें भी सिर्फ रुचि जैन के खिलाफ ही ये FIR दर्ज करते हैं।